अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। 42 साल भी आंटी जी का उम्र, 50 साल का जो है 50वां बर्थडे आंटी जी का मनाया जा रहा है, और पिछले 5 साल से आंटी जी का 50वां बर्थडे ही था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछले 5 साल से 50वां ही था, नहीं तो 50 से 45 का भी हो जा सकता था। आंटी जी का ऐसा है, बट आने वाले और 5 साल में 50 का ही रहेगा। मुझे तो लगता है जब तक कब्र में नहीं चली जाएगी वो 50 की ही रहेगी। अब बात करें कि आंटी जी की जवानी की, कि आंटी जी खुद को बहुत ज़्यादा जवान बताती है। हाय रे आंटी जी की जवानी, कि आंटी जी को जवान दिखने के लिए इतना स्किन का, नाखून का, बालों का ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। ऐसी जवानी में तो लालत है, ऐसे जवान होने से तो हम जैसे बुढ़े ही अच्छे हैं। और रही बात आंटी जी की जवानी की, तो आंटी जी जो जवानी में ये सब ट्रीटमेंट करवाते हैं, कभी नाखूनों का, कभी बालों का, कभी चमड़ियों का, तो आंटी जी एक आधा ट्रीटमेंट शक्ल की जो मनहूसियत कम करने की है वो भी करवा लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इतना ट्रीटमेंट करवा के भी कुछ फ़ायदा है नहीं, जवान तो आप बिल्कुल भी नहीं दिखते हो दूर दूर से। एक्चुअली वो बात कहावत है ना कि शक्ल से इंसान की उम्र की जो है पता चल ही जाता है, बट जवानी तो छोड़ो, आपकी शक्ल में जो मनुष्यत है ना वो भी कम नहीं होती। बिना मेकअप के आप इतनी भयंकर लगती हो कि आपसे बच्चे भी जो है ना रात के अंधेरे में आपको देखेंगे तो बच्चे भी आपसे बहुत डरेंगे। अब रहा सवाल बोबले की, वो मंद बुद्धि आंटी जी का बेटा, वो बोलता है मम्मी आप तो 35 का लगते हो। अरे मन बुद्धि बोबले, तेरा दिमाग के साथ साथ तेरे आँखों की जो रोशनी है ना वो भी गायब हो चुकी है। दिमाग तो तेरे पास वैसे भी नहीं है, और आँखों की रोशनी में भी सिर्फ डॉलर का साइन। मुझे ना बोबले का शक्ल के साथ ना उसकी आँखों में डॉलर का साइन दिखता है कि भाई पैसों के लिए तो अपनी माँ को जितना बेवकूफ़ बना सकता है ना तो इतना ही बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन कम से कम अपनी अक्ल तो तेरे पास है नहीं। मैं थोड़ा बहुत जो है ना आँखों का इस्तेमाल कर लिया कर, कि तेरी अम्मा जो है वो कौन से एंगल से जो है ना 35 की लगती है। मैं 30 की हूँ, ठीक है, 1993 का 8 सितंबर मेरा बर्थडे है, तो उस हिसाब से मेरा कितना हुआ 30, ठीक है। अब ये 30 कंप्लीट होके कितने शायद मुझे लगेगा, तो सोचो सायरा सत्तानी मेरे से सिर्फ 20 साल की बड़ी है और मैं इनसे 20 साल की छोटी हूँ। मतलब कि ये थोड़ी सी, आज मेरी माँ भी जिंदा होती तो मेरी माँ भी 48 की होती, 18 में उनकी शादी हुई थी, 48-49 की होती। लेकिन इस औरत का जो है ना 50 साल कभी ख़त्म ही नहीं होता है, और वो होगा भी नहीं। अब रहा सवाल आंटी जी बहुत यू नो कि बड़ी बड़ी बातें करी थी अपने ब्लॉग में, वैसे तो उनका ब्लॉग वो बोलती है कि रिएक्शन रिव्यू वाले के जो मतलब हमारे वीडियो से उनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा एक भी वीडियो नहीं होगा जिस वीडियो में आजकल हमारी जिक्र आंटी जी करती नहीं है, उनको बिल्कुल भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी एक वीडियो नहीं है आंटी जी का जिसमें यूट्यूबरों का जो है ना जिक्र ना हो, और वो बहुत जल्द देखना, वो बहुत जल्द यूट्यूबरों के पीछे पड़ने वाली है। उसको लगता है कि वो हमारे पीछे पड़ेगी तो हमारा मुंह बंद हो जाएगा। वो बोलती है कि हम झूठ बोलते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं। तो आंटी जी हम वही बोलते हैं जो आपने और आपके शौहर ने बोला है, जो आपने दिखाया है, आपके शौहर ने दिखाया है, या फिर आपके शौहर ने हमारे पास बोला है। और ऑफ कोर्स आपको हमारी बातों से तो मिर्ची लगेगी ही, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, और सच जो है ना, सच बोलने पर ना बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगती है, तो वो तो आप लोगों को लगनी है। और बहुत जल्द आप हमारे ऊपर आने वाली हो, क्योंकि आपको चाहिए कॉन्ट्रोवर्सी। अब आप अगर दूसरों के साथ कॉन्ट्रोवर्सी करोगे तो पिछली बार की तरह आपके और आपके बेटे के तो बम्बू लग जाएंगे, आप कहाँ लगेंगे वो सबको पता है। और हमारे नाम को कॉन्ट्रोवर्सी करोगे तो आपको और व्यूज़ मिलेगा, लेकिन बम्बू नहीं मिलेगा, तो आप हमारे ऊपर आओगे। मुझे पता है सबसे पहला टारगेट आपका मैं ही हूँ, क्योंकि सबसे पहले इस बार मैंने ही शुरू किया था। बट आप शुरू तो करो, ख़त्म हम करेंगे, आप स्टार्ट तो करो, हम हैं आपके पीछे पीछे आंटी जी, फिक्र ना करो। और रहा सवाल आपके फ़र्क नहीं पड़ने का, तो फ़र्क आपको बहुत अच्छे से पड़ता है, बहुत अच्छे से पड़ता है। इसलिए हर बोलते हैं ना कि हर वीडियो में जो है ना हमारा जिक्र होता है। रहा सवाल कि आप किसी का नाम नहीं लेते हो, फिर हम अयूब का नाम लेते हैं, अयूब का फैमिली का नाम लेते हैं, तो आप जो इनडायरेक्ट वे में बोलती हो ना, तो ये सबको समझ में आता है, सिर्फ हमको नहीं, ये सबको समझ में आता है कि आप किसके बारे में बोल रहे हो और किसके बारे में नहीं, कौन आपका अपना था, किसको आपने भाड़े पे रखा था, किसने आपकी पीठ पे जो है ना खंजर भोंका। ये अगर हम नाम ही मेंशन करें तो भी लोगों को समझ में आएगा कि ये लोग इतने पागल तो है नहीं। वो अलग बात है कि चिच्चा जान के जाने के बाद आपकी दिमागी संतुलन जो है वो ख़राब हो चुका है, लेकिन हमारे दिमागी संतुलन जो है ना वो सही है। वो अलग बात है कि आपके बोबले का जो है ना वो उसका दिमाग घुटने पे है,
उस काम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दिमागी संतुलन जो है ना वो जगह पे है, और आप जो बोलती हो ना वो किस एंगल से बोलती हो वो हमको सबको समझ में आता है। रहा सवाल, आंटी जी बोल रही थी, एक्सप्लेनेशन दे रही थी, बोल भी नहीं थी, एक्सप्रेशन दे रही थी कि लोग तो 45 का 40 का होके खुद को 35 का बताते हैं, लेकिन मैं पिछले 5 सालों से मैं जो है ना 50 का ही बताती हूँ। और बहुत सारे लोग बोलेंगे जो जेलस लोग हैं, बुढ़ी 5 साल से 50 का ही बताती है। तो आंटी जी ऐसा है, ये आपको भी पता है कि आप झूठ बोलती हो, और ये आपको अभी बहुत अच्छे से पता चल जाता है, चल गया है कि आपका जो झूठ है ना वो पब्लिक के समझ में आने लग गया है। तो इसमें जो क्लियरिफिकेशन आप देती हो ना वो ना ही दे तो ही बेटर है, क्योंकि आप जितना भी भोक लो, जितना भी भोक लो, पब्लिक के ऊपर असर नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो रियल साइड है ना वो पब्लिक ने देख लिया। रहा सवाल, आंटी जी बोल रही थी कि हम आंटी जी के बारे में वीडियो बनाते फिर भी जो है ना हमारा चलता नहीं, उसका बेटा वो बोल रहे थे। तो ऐसा है आंटी जी, हमारा चले या ना चले, हमारा तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेकर अब तक सेम ही चल रहा है, अच्छे बीच बीच में जो है व्यूज़ बढ़ते भी है, बीच बीच में जहाँ से शुरुआत किया था वहीं तक ही रहते हैं, लेकिन कम नहीं होते, हमारा चैनल पीछे नहीं जाता है। लेकिन आपका बिल्कुल भी नहीं चल रहा, जिसके लिए आपको जो है ना कंट्रोवर्सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आप कोशिश कर रही हो अभी हमसे कंट्रोवर्सी करने की, क्योंकि मिलियंस में सब्सक्राइबर वाली औरत का सोचो 1 लाख व्यूज़ भी नहीं आते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर वाली के 1 लाख व्यूज़ नहीं आते, हम तो 10-10 हज़ार सब्सक्राइबर लेके 1-1 हज़ार तो व्यूज़ आते हैं, 1-1 हज़ार तो व्यूज़ आते हैं, मिलियन वाली चैनल वाली के 1 लाख भी व्यूज़ नहीं आते। तो ये आप लोग अभी पब्लिक डिसाइड करो कि चल किसका नहीं रहा है, मिलियन वाली का 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 30,000 ऐसे आ रहे, 1 लाख भी नहीं हो रहे हैं। तो घमंड की बात वहाँ पे करो जहाँ पे सूट हो, भले ही आप हमारी तरह मतलब कि हाँ हमारे पास आपकी तरह हराम के पैसे ना हो तो आपको हम पैसों से टक्कर नहीं दे सकते। हाँ हराम तरीके से अगर कमाने जाए तो हम तो आपसे जवान हैं तो हम कमा सकते हैं, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह ऐसी कमाई आपको ही मुबारक। आंटी जी बोलती है कि मैं जो है ना बिंदास रहती हूँ, बिंदास गानों पे डांस करती हूँ, अलग अलग तरह की वीडियोस बनाती हूँ, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनती, बिंदास रहती हूँ, और मुझे प्राउड होता है, ऐसा वैसा करके बोल रही थी। जो हम उनके ऊपर बोलते हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, वो ये करती है वो करती है, तो आंटी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें से गवार ही सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से बुढ़े गरीब ही सही है, हमारे पास आपकी तरह पैसे नहीं है हराम का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना मुजरा नहीं करते हैं, और अगर मुजरा करके और वाहिया तरीके के कपड़े पहन के और घटियापंती हरकतें करके अगर प्राउड फील करना है ना तो ऐसे प्राउड मोमेंट आपको मुबारक, हमको नहीं चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम गवार ही सही है, हम गरीब ही सही है, और हम जो है ना स्मार्ट नहीं है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ही सही है, ऐसी प्राउड मोमेंट आपको मुबारक। और रही बात बर्थडे गिफ्ट का, तो सबसे ज़्यादा अच्छा बर्थडे गिफ्ट तो ऊपर वाले ने आपके लिए रखा है, दोजख का आग। तो यहाँ पे जितने बर्थडे गिफ्ट आपको बटोरना है बटोर लो, अल्लाह भी आने तो आपके लिए बर्थडे गिफ्ट जो है ना एक मज़ेदार रखा हुआ है, दोजख का आग, वो तो बाकी है। रहा सवाल, आंटी जी बोल रही थी कि मुझे तो क्या दूसरों से कोई उम्मीद भी नहीं है कि कौन मुझे क्या देगा बर्थडे गिफ्ट, मतलब वो इनडायरेक्ट अयूब को सुना रही थी कि अयूब सुन ले मुझे भेज दे या फिर अयूब आ जाए फलाना ढिमका। तो आंटी जी ऐसा है, उम्मीद वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे आपने उम्मीद करने वाला काम किया, समझ में आ रहा है, जैसे कि मैं आप अपने औलादों से अगर उम्मीद करूँगी तो उम्मीद मैं वहाँ पे करूँगी जिनके लिए मैंने कुछ किया होगा या फिर जिनके साथ मेरा अच्छा रिश्ता होगा, जिनके लिए आपने कुछ किया ही नहीं है। रहा सवाल पैसा देने का, तो जैसे आप लोगों ने आपने उनको पैसा दिया तो वो लोग भी आपके व्लॉग में आके हम साथ साथ वाला जो है ना वो एक ड्रामा जो है वो दिखाया है, आप उनके घर में जाके ससुराल वाला, पति वाला, बाकी जो भी है व्हाटएवर जो ड्रामा आपने किया था ना, वो पैसा वसूल वाला ड्रामा वैसे पैसा लेके ही करे हैं। आप जैसे ही वो आपसे अलग हो गए, दूर हो गए, तो आप भी इनडायरेक्टली कैसे उनकी मार रहे हो, है ना। तो उम्मीद वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हम उम्मीद रखने वाला कोई काम करते हैं। अब हम अगर आपने तो ऐसा कोई काम किसी के साथ किया ही नहीं है कि आप जो है दूसरों से उम्मीद लगाओ,
रहा सवाल आपका मुंह बोला बेटा रिहान और उसकी बीवी अंजुम का, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है अंजुम नाम को लेके, क्योंकि अंजुम नाम जो है रंताक के बेटे का भी है, तो ये वो अंजुम नहीं है, ये जो उनका मुंह बोला बेटा है रिहान उसकी बीवी का नाम अंजुम है, रंताक के बेटे का नाम अंजुम है लेकिन वो अलग है। तो उनका भी कटेगा और उनका टाइम भी बहुत जल्द आएगा, क्योंकि आपके ज़िंदगी में हमेशा लोग हंसते हंसते आते हैं और गाली खा के बदनाम होके ही जाते हैं, तो उनका टाइम भी आएगा। जैसे बाकियों का कटा ना वैसे उनका भी कटेगा। रहा सवाल रिहान और अंजुम का, तो देखो आंटी जी ये तो आपका जो है ना चेन सिस्टम हो गया, आप कोई भी किसी भी अरे घेरे को उठा के आपकी फैमिली बता देते हो, किसी को भी उठा के आपका बेटा बहू बेटी बना देते हो, तो ये आपका जो है ना शुरू से रहा है। अब कुछ दिनों बाद आपको भी पता है कि इनका भी कटेगा, इसलिए पहले से ही आप क्लेरिफिकेशन दे रहे हो कि अल्लाह ने जब तक लिख के रखा है उनके साथ जो है वो रिश्ता निभाने का, तो उनके साथ तब तक ही रहेगा, उसके बाद अल्लाह नहीं चाहेंगे, मतलब वो करती हो खुद है करेगी खुद, मतलब कि मर्डर में आज मैं खुद से मर्डर कर दूं और फिर मैं जज साहब को जाके बोलूं जज साहब अल्लाह ने जो लिख रखा था मेरे हाथों से मर्डर होने के लिए, इसीलिए मेरे हाथों से मर्डर हो गया, मुझे सजा अल्लाह को देना पड़ेगा मुझे नहीं, क्योंकि अल्लाह ने लिख के रखा था कि मैं जो है मर्डर करूं। ऐसा होता है, ये खुद करते खुद है, जैसे शादी कर ली बोलती थी अल्लाह को ये मंजूर था, बुढ़ापे में उनकी जवानी संभली नहीं जा रही थी लेकिन अल्लाह को मंजूर था। और तो और भाई साहब आंटी जी को फुट मसाजर भी मिला है, अब जो है ना आंटी जी के पैरों में थोड़ा सा सुकून मिलेगा। अच्छा है बोबली ने सही डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि अम्मा के पैरों में दर्द होता है, अम्मा ज़्यादा मुजरा भी नहीं कर पाती और आजकल कमाई भी कुछ ज़्यादा खास हो नहीं रहा है सोशल मीडिया से, तो अब अम्मा के पैरों में मालिश भी होगी, अम्मा को सुकून मिलेगा और मुजरा करेंगी अम्मा, और जो है ना कमाई होगा, कमाई बंद नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा डिसीजन बोबले ने जो है, यहाँ भी बोबले ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है और अम्मा को फुट मसाजर ला के दिया है, ताकि अम्मा का पैरों का दर्द कम हो, अम्मा को सुकून मिले, अम्मा से जो है ना नाचना थोड़ा ज़्यादा हो और कमाई भी अच्छा हो। और रहा सवाल के आंटी जी बोलती है कि मैं तो अब मसाला, मैं बस मसाला देती हूँ, मसाला नहीं दूंगी, तो लोग वीडियोस कैसे बनाएंगे, ऐसा कैसे करेंगे, वैसा कैसे करेंगे, तो आंटी जी मसाला तो आपको देना ही है और आप डेस्परेटली चाहती हो आपके ऊपर वीडियो बने, तभी आप मसाला दे रही हो, क्योंकि जब हम वीडियोस नहीं बना रहे थे आपके ऊपर उस टाइम पर आपका व्यूज़ जाके देख लो और आप वीडियो बना रहे थे, थोड़ा बहुत हमारी मुँह से जो है आपकी थोड़ा सा नाम जो है एडवर्टाइजमेंट हो जा रहा है, तो आपकी व्यूज़ देख लो, तो मसाला तो आपको देना ही है और बर्थडे के बाद तो आपको हमारे ऊपर और अयूब के ऊपर तो आना ही है, क्योंकि विदाउट कंट्रोवर्सी हमारी कंट्रोवर्सी कोई सारा सताने का वीडियोस तो चल नहीं सकता। वैसे इतना तो बेहुदा बेतु की बातें आप कर लेते, बकवास कर लेती हो, इतना ओवर एक्टिंग ड्रामा आजकल आपका चल रहा है, लेकिन आपने ये नहीं बतवाया कि इंस्टाग्राम की जो ब्लू टिक है वो कहाँ गई आंटी जी, इस बार शायद आपने पैसा भरा नहीं होगा, सारा पैसा जो है आपके बर्थडे के लिए ताम छाम करने में लगा दिया होगा, इसलिए ब्लू टिक भी गायब होगा, और इतना बकवास करती हो तो ये क्यों नहीं बताया कि बुड्ढे के साथ हुआ क्या, बुड्ढे के साथ इतना बात क्यों नहीं कर रही, इतना अयूब 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 कर रही हो, तो अयूब के साथ हुआ क्या वो तो बता देती, तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाँ सवाल इस बार जो है फैमिली के साथ बर्थडे मनवाने का आंटी जी का, तो अयूब ने इस बार फैमिली के साथ बर्थडे मनवाया लेकिन आंटी जी को जो है इन्वाइट नहीं किया, तो आंटी जी जो है चिट फॉर टैट करके दिखाना चाहती है, आंटी जी जो है अपना बर्थडे अपने सो कॉल्ड भाई का बेटा और बहू के साथ और ये गिने चुने कुछ लोगों के साथ बर्थडे मना रही है और अयूब को इनवाइट बिल्कुल भी नहीं करेगी। अयूब को ये दिखाने की कोशिश चल रही है कि देख अयूब मेरे पास भी फैमिली है, लेकिन वो भी अगेन भाई का आंटी जी, अयूब के पास तो खुद का फैमिली था, उसका बर्थडे बनाने के लिए उसका कहीं से भी 1% वो जैसा भी इंसान है उसको भाड़े पे लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, जितने भी थे उसके खानदान के थे, लेकिन अफसोस आंटी जी इतना दिखावा करके भी फैमिली आपको अल्टीमेटली भाड़े का ही लाना पड़ता है, इससे अच्छा दोनों बेटे की शादी करवाओ, दोनों बेटों के बच्चे बड़ा करवाओ, खानदान जो है उसको बड़ा करो, ताकि भाड़े पे जो है ना वो आपको भाई फैमिली लाने की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। तो आंटी जी ने जो है अयूब को दिखाने के लिए इस बार जो है आंटी जी बाहर गांव नहीं गई है, अब जाएगी, अब मैंने बोल दिया तो शायद जाएगी, परसों के वो ब्लॉग में बोलेगी सरप्राइज मेरे बेटे ने मुझे सरप्राइज दिया है, मुझे जो है ना बाहर के हॉलीडे ट्रिप बैंकॉक का थाईलैंड का बुक करवाया है या बाली का, हम जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, सरप्राइज। जिस लड़के का कच्चे खरीदने का औकात नहीं है वो माँ को बाली ट्रिप या बाहर गाँव के ट्रिप का जो है ना वो करेगा, स्पॉन्सर करेगा, सोचो बताओ वाला।
एनी वेज सीखिए तो है ही ड्रामा क्वीन, इनके बारे में क्या ही बोलूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इनके कोख से पैदा नहीं हुए हैं। ऐसी अम्मा होने से अच्छा कि अम्मा दुनिया में ना ही रहे। लेकिन एक चीज़ तो है भाई, हम जैसी हमारी जो माएँ हैं, एक चीज़ मैंने देखा है, जो घर गृहस्थी वाली है, जो इज्जतदार है, उनको ऊपर वाला टपक करके बुला लेते हैं। और ऐसी जो मखलूक होती है, जो अतरंगी किस्म के मखलूक होते हैं, जो बेहूदापने को प्राउड फील करती है, ये इनको दुनिया में रख देती है। हाँ, इनको दुनिया में वैसे इनके कर्मों के लिए रखते हैं ना, कि कर दुनिया में ही भुगतना है, और फिर जब ऊपर जाएंगी तो आखिरत के दिन अल्लाह मियां भी बोलेंगे, सरप्राइज तुम्हारे लिए मैंने बर्थडे गिफ्ट दोजक का आग रखा है सारे सत्ताने जी। तो चलिए आज का ब्लॉग में यहीं पर एंड करते, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। मेरा ब्लॉग देखे आंटी जी को मिर्ची बहुत लगा होगा, लेकिन खैर दिल पे मत लेना आंटी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, और आप 100 साल के भी हो जाओ, रखी रहोगी हमारे लिए 50 साल की। अल्लाह आपको जो है ना लंबी ज़िंदगी दे, आपको सेहतयाब रखे, और आपके जो जितने भी पैरों के दर्द है वो दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन, दिल से ये मेरी दुआ है। क्योंकि मेरी ना सही, लेकिन किसी की भी माँ जैसी भी हो, लेकिन हर किसी के सर पे माँ का साया होना बहुत ज़रूरी है, भले वो माँ जितनी भी अतरंगी हो। और आप जैसी माओ की वजह से हमारा चैनल भी चल रहा है, हम भी 2-4 डॉलर कमा ले रहे हैं। तो गिफ्ट ना सही, दुआएं तो बनता है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन। एंड भले ही आप जैसी भी हो, लेकिन हो तो एंटरटेनमेंट हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप एंटरटेनमेंट तो ज़रूर करती हो। तो एनीवेज आज का ब्लॉग में यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, दुआ की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, शेयर में नहीं आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों ने जो है लाइक नहीं किया और कमेंट करके जो है अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया, तो अल्लाह मियां ने आप लोग के लिए भी रखा है आग, और बोलेंगे सरप्राइज। तो कमेंट ज़रूर करो, लाइक कर दो चैनल को, नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल अल्लाह हाफिज़।